व्यायाम प्रदर्शन के लिए दौड़ते हुए छात्र, जो कि अलग अलग सुंदर पोशाक में अपनी अपनी लाइनों में व्यायाम के लिए एकत्रित होते हुए वास्तव में व्यायाम प्रदर्शन अपने आप में एक अनोखा प्रदर्शन है, जिसमें हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा जोश जुनून और जज्बा के साथ व्यायाम विशेष प्रदर्शन और इस प्रकार से एक साथ हाथ मिलते हुए सामूहिकता का परिचय देते हुए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे मानो अनेक नहीं है एक है ऐसा प्रदर्शन इन छात्र छात्राओं द्वारा, मैं सभी छात्र छात्राओं से और अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि छात्रों के उत्साहवर्धन हेतु तालियों की गिड़गिड़ाहट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इन छात्रों की चपलता देखने योग्य है। द सिक्स कंपोनेंट्स ऑफ मोटर स्किल रिलेटेड टू फिटनेस, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पावर, रिएक्शन टाइम एंड स्पीड, जो कि इन छात्रों में दिखने को मिल रही है, ऐसा प्रदर्शन हमारे 11 से सुंदर छात्र छात्राओं द्वारा। वास्तव में देखा जाए तो विज्ञान ने आज के युग में इतना विकास कर लिया है कि हर कार्य तो मशीनों के माध्यम से किया जाने लगा है। सिर्फ उन मशीनों को चलाने वाला आदमी होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आदमी शारीरिक कार्य की अपेक्षा मानसिक कार्य में अधिक प्रयोग कर रहा है, जिससे समाज में नई नई बीमारियां जन्म लेती जा रही हैं। इसलिए व्यायाम या खेल अत्यंत आवश्यक है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी देश के काम आ सकते हैं, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी दूसरे की सहायता कर सकते हैं, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम मानसिक कार्य पर बल दे सकते हैं। इस प्रकार से ये छात्र छात्राएं अगली आकृति की ओर बढ़ते हुए यानी पांच लाइनों में व्यायाम विशेष पर में व्यायाम करते हुए तो सुंदर फूल की आकृति में व्यायाम का प्रदर्शन इन छात्र छात्राओं द्वारा ऐसा लग रहा है पुष्प अपना पराग विरखते हुए, फूल तेरी शोभा इतनी जिसका मुझे अंदाज नहीं, फूल हर वक्त तू काम आता इसका मुझे आभास नहीं, बस्तियों में तेरी चर्चा, मंदिरों में तेरी पूजा, हर मठों में तेरी कीमत है, फूल अक्षर तू जीत गया जिसका मुझे अंदाज नहीं, ऐसा संदेश देते हुए हमारे छात्र छात्राएं और इस प्रकार से फूल की आकृति को तोड़ते हुए और अपने पुनः स्थान में एकत्र होते हुए और दौड़ते हुए छात्र छात्राएं अगली आकृति की ओर, यह देखने योग्य है। और निश्चित रूप से मीनार बना रहे हमारे छात्र छात्र, जिसमें कि जो बीच वाला छात्र छात्राओं की ओर से जो बीच वाला मीनार है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, इसमें दो छात्राएं बैठी हुई हैं
तथा उनके ऊपर दो अन्य छात्राएं कंधों पर सहारा लिए हुए झुकी हुई है और इस प्रकार ये व्यायाम विशेष प्रदर्शन का एक साथ सामूहिकता का परिचय देते हुए बड़े ही जोश और जुनून के साथ हमारे ये नन्हे मुन्ने छात्र छात्राएं व्यायाम जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ऐसा संदेश देते हुए हमारे छात्र छात्राएं छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन हेतु तालियों की गिड़गिड़ाहट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और अगली आकृति यानी जिसमें 5 छात्र छात्राएं जमीन पर हाथों और घुटनों के सहारे बैठी हुई, 4 अन्य छात्र छात्राएं इनके कंधों पर अपना हाथ रखकर स्थान लेते हुए, इन चारों को के कंधों पर 3 अन्य छात्र छात्राएं स्थान लेते हुए और बीच में एक और छात्र स्थान लेते हुए वही दूसरी ओर 4 चलते हुए मीनार के साथ व्यायाम विशेष प्रदर्शन इन छात्र छात्राओं के द्वारा। तालियों की गिड़गिड़ाहट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं सभी छात्र छात्राओं से अभिभावकों से अनुरोध करता हूँ, उनके लिए आसमान की ऊंचाई ऊंची नहीं होती, जिनके लिए आसमान की ऊंचाई ऊंची नहीं होती जो मेहनत करते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, आजाद देश है तेरा जय हिंद गीत गाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, आसमां से कभी न डर, तू आसमां से आगे बढ़, बढ़ के यही गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ऐसा संदेश देते हुए हमारे छात्र छात्राएं और इस प्रकार से मीनार की आकृति को तोड़ते हुए वो अपनों सभी छात्र छात्राएं अपने स्थान में एकत्र होते हुए व्यायाम विशेष प्रदर्शन करते हुए एकता का संदेश देते हुए एक साथ उठते हुए एक साथ बैठते हुए हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसे गर्व है अपनी विभिन्नता में एकता पर, क्योंकि यहाँ अनेक जाति धर्म समुदाय के लोग वास करते हैं, अनेक बोली भाषा से भी यह देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। ऐसा संदेश देते हुए हमारे छात्र छात्राएं और इस प्रकार व्यायाम प्रदर्शन समाप्ति की और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।